अब बात दिल्ली की करते हैं, जो कुछ ही देर की बारिश में डूब गई। वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम के वादे की असलियत बारिश ने दिखा दी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में बारिश का दौर अभी चलेगा, लेकिन राजधानी की असली मुसीबत है पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश। दिल्ली में जब भी बाढ़ आती है तो एक नाम आप बार बार सुनते हैं, हथनी कुंड बराज। ये हरियाणा में है, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। उत्तराखंड में बारिश से हथनी कुंड बराज पर यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गर्मियों में हथनी कुंड बराज का अगर गेट खुलता है तो इसका सीधा मतलब होता है दिल्ली वालों के लिए राहत, लेकिन बारिश के मौसम में इसका मतलब होता है मुसीबत। उत्तराखंड में भारी बारिश के बावजूद भले ही हथनी कुंड बराज के गेट बंद हो, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद इसके जल्द खुलने की आशंका पैदा हो गई है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर दिल्ली पर होगा और दिल्ली में बाढ़ तक आ सकती है। जरा सी बारिश में डूब गई देश की राजधानी दिल्ली। जरा सी बारिश ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली में सड़कें बारिश के पानी से इस कदर लबालब हो गईं कि बसों के अंदर पानी भर गया। ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है जिसे बस की खिड़की से देखने पर आपको एक पल के लिए लगेगा कि नदी में कोई स्टीमर चल रहा है, लेकिन आप नदी या स्टीमर में नहीं। इस बात की खबर आपको बस के अंदर घुसा ये पानी देगा, जिससे बचने के लिए दिल्ली वालों को न जाने कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली ये बस इस बात की मिसाल है कि दिल्ली भले ही देश की राजधानी हो, लेकिन चंद घंटे की बारिश को वो नहीं झेल सकती। लेकिन बारिश से दिल्ली वालों की मुसीबत आने वाले दिनों में कम नहीं होने वाली, क्योंकि दिल्ली के संगम विहार जैसी तस्वीरें, थाने में पानी भरने की घटना दिल्ली के निचले इलाकों में भी दोहराई जा सकती है। दिल्ली का भी हाल देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरह हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली में बाढ़ आने की आशंका है। अब आप कहेंगे कि जब दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से नीचे है और आने वाले दिनों में दिल्ली में भारी बारिश नहीं होगी, तो फिर इस आशंका का आधार क्या है? दिल्ली को लेकर इस चिंता की सबसे बड़ी वजह पहाड़ों पर अगले कुछ दिनों के लिए जारी की गई मौसम विभाग की चेतावनी है, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारा जो मेजर वार्निंग जो है हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि पिछले बार भी काफी बारिश हुआ था जो 19 और 18 तारीख को, 18-19, अभी 26-27 को वी हैव गिवन रेड कलर फॉर हिमाचल और उत्तराखंड, और उसके साथ साथ हम लोग हैवी रेनफॉल पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश रखे हैं। दो बेसिस पर किया जाता है, जहां सटन है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रेनफॉल, एक तो प्रोबेबिलिटी होता है और दूसरा एक अमाउंट होता है जिसका इम्पैक्ट में से फ्लड हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, वो रेड है। रेड मतलब टेक एक्शन मतलब आप सेफ्टी में रहे, घर में रहे, अगर अर्जेंट नहीं है बाहर ना निकले, तो वो रेड कलर का होता है। ये उत्तराखंड और हिमाचल के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है। दिल्ली के लिए अब सवाल यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से दिल्ली में बाढ़ का खतरा कैसे पैदा होगा, तो इसके लिए अब ये तस्वीर देखिए। ये उत्तराखंड का विकास नगर है, जहां पिछले कुछ दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से विकास नगर यमुना नदी उफान पर, यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से विकास नगर में डाक पत्थर बैराज के 3 मुख्य गेटों को खोलना पड़ा। अब यहां से हर घंटे 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हरियाणा के हथनी कुंड बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। अब मैप से समझिए, ये रहा उत्तराखंड का विकास नगर। यहां यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इसीलिए यहां बने डाक पत्थर बैराज के 3 गेटों को खोलना पड़ा है। इसके बाद ये पानी आगे चलकर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पहुंच रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बाढ़ का सीधे संबंध हथनी कुंड बैराज से है, क्योंकि यहां से पानी छोड़ जाने के बाद ही दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता है और वो दिल्ली के निचले इलाकों को डुबो देती है।
इसीलिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल यमुना पर जाकर उसके जलस्तर का मुआयना किया और पाया कि अगर हथनी कुंड से पिछले कुछ सालों जितना पानी छोड़ा गया तो फिर दिल्ली के निचले इलाके आने वाले दिनों में डूब सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, उसका असर आने वाले दिनों में दिल्ली पर पड़ सकता है और जो खास तौर पर निचले इलाके हैं दिल्ली के, जैसे उस्मानपुर, वजीराबाद, साथ ही साथ गढ़ी मांडू, आगे जाकर के पल्ला और चिल्ला, इन सारे जगहों पर पानी भर सकता है, तो वहां पर ज्यादा चेतावनी जैसे हालात। दिल्ली वालों की मुसीबत यह है कि दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है, यानी सड़कों पर बहता ये पानी आखिरकार यमुना में ही गिरेगा और उसके जलस्तर में इजाफा करेगा, इसीलिए आने वाले दिनों में ये बारिश का पानी दिल्ली की सूरत बिगाड़ सकता है। विकास नगर से टीना साहू के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। आपने मौसम विभाग की बात सुनी जिसने बताया कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में बारिश होगी। मौसम विभाग के इस ऐलान ने दिल्ली वालों को डरा दिया है जो आज थोड़ी देर की बारिश से सड़क से मेट्रो तक में फंस गए थे। दिल्ली की मथुरा रोड दिल्ली का द्वारका सेक्टर 22 दिल्ली का ओखला इलाका आप दिल्ली के किसी भी जगह का नाम लीजिए बारिश वीवीआईपी इलाके और स्लम एरिया का फर्क मिटा देती है। दिल्ली में ये हर साल होता है। बारिश होती है सड़कें पानी में डूब जाती हैं और लोग खींचते झल्लाते हुए दिल्ली की सड़कों पर अपनी तकदीर को कोसते हैं। सर गाड़ी खराब हो गई। हाँ जी सर, गाड़ी खराब हो गई। लाडोसराय से छतरपुर जाने वाली सड़क पे कितना ज्यादा जल भराव है जिसकी वजह से एक तो ये गाड़ी खराब हो गई है और वैसे भी इतना पानी है कि गाड़ियाँ जो है ज्यादातर एक सिंगल लेन में चल रही है। दक्षिण दिल्ली के बाद अब मोतीबाग फ्लाईओवर के नीचे की इस तस्वीर को देखिए। पानी भरने से ट्रैफिक रंग रहा है। सड़क पर भरा यह पानी उन दावों की पोल खोल रहा है जिन्हें बदलने का दावा हर बारिश में बह जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग बारिश में इस तरह पैदल नहीं होते। ये दिल्ली का प्रगति मैदान है जहां पर तीन तीन ड्राइवरों को अपने ऑटो को खींचना पड़ रहा है। यही हाल दुपहिया वाहनों का, जिन्हें बारिश के मौसम में बाहर लेकर निकलना दिल्ली वालों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इंद्रप्रस्थ पर हुआ यह जलभराव जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से प्रगति मैदान की तरफ से आईटीओ को जाने वाला ट्रैफिक कई घंटों तक रेंग कर चल रहा है। देखिए किस तरह से वाहनों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो एक सबवे है उसे भी यहां पर लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उसमें तमाम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से स्ट्रैंडेड हो गई, ठहर सी गई। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग में सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड पर 87 मिलीमीटर, आयानगर में 70 और दिल्ली एयरपोर्ट पर 68 मिलीमीटर बारिश हुई। जो व्यवस्था की गई है वहां पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है, यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं। ये NH9 है, NH24 है जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है और तो ये सारी चीजें आपके नजर के सामने कि आखिरकार चंद मिनटों की बारिश इस तरीके से क्यों पोल खोल करके रख देती है और सिर्फ पोल नहीं खोलती ये भी बता देती है कि अगर यहाँ पर झमाझम बारिश हो जाए, लगातार कई घंटों की बारिश हो जाए तो कैसे दिल्ली और NCR का तमाम इलाका लगभग लगभग पैदल हो जाएगा। दिल्ली में बारिश और सड़कों पर पानी भरने से मेट्रो के मुसाफिर भी परेशान हुए, क्योंकि DMRC ने साकेत मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए। DMRC ने ट्वीट किया, ट्रेनें फिलहाल साकेत मेट्रो स्टेशन पर नहीं रुक रही, जल भराव की वजह से प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं, इसके अलावा पूरी येलो लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं। चुनावों में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बाद भी लोग अब भी इस वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली हो या फिर मुंबई, देश का कोई भी महानगर
बारिश का सामना करने में नाकाम साबित हो जाता है। हर चुनाव में वादा करके वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हर साल दिल्ली की बारिश से भरे पानी की लहरें जनता को वहीं लाकर रख देती हैं, जिससे निकलने के लिए उसने वोट दिया था। कुमार कुणाल, राम किंकर सिंह के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। दिल्ली में तो बाढ़ का खतरा है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई। अब आपको देश भर में बाढ़ के हाहाकार की सबसे खतरनाक तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बोट पर निकली बारात, दूल्हा दुल्हन का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ के बीच बोट पर बारात निकाली गई। रोहित और सोनाली की शादी 26 जुलाई को पहले से तय थी, लेकिन इसी दौरान बाढ़ आ गई। दोनों ने बाढ़ के बीच भी शादी करने का फैसला किया और दूल्हा बोट पर बैठकर दुल्हन के घर आया। महाराष्ट्र का सांगली जिला बारिश और बाढ़ की चपेट में है। कृष्णा नदी का पानी कई गांव में भर जाने से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात का भी बाढ़ से बुरा हाल है। इसके भरूच जिले में अचानक बाढ़ आने से एक ड्राइवर जेसीबी समेत फंस गया। ये खौफनाक तस्वीर गुजरात के भरूच की है। ये देखिए कैसे जेसीबी मशीन पर खड़ा ये शख्स पानी के रूप में अपनी मौत को देख रहा है। जेसीबी मशीन पानी में करीब करीब डूब चुकी है। मामला भरूच के टोटी दरा गाँव का है, जहाँ नर्मदा नदी के किनारे जेसीबी मशीन का ऑपरेटर काम कर रहा था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आने से वो बुरी तरह से पानी में फंस गया। पानी इतनी तेजी से आया कि इसे सुरक्षित निकलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसकी तकदीर अच्छी थी क्योंकि इसे समय रहते गांव वालों ने बचा लिया। ऐसा ही हादसा राजस्थान के पाली में हुआ, जहां बाढ़ के पानी में ट्रक फंस गया। सावन के पहले सोमवार को बारिश ने पाली के आसपास के इलाके को गर्मी से राहत तो दिलवाई, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोग बड़ी मुश्किल में भी फंस गए। कहीं बाइक पानी में फंस गई तो कहीं ट्रक। बाइक को तो लोगों ने मिलकर निकाल लिया, लेकिन पानी में जब ट्रक फंस गया तो ये लोगों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बारिश में उफनती नदी के पुल को ये ट्रक पार कर रहा था, लेकिन सीमेंट से भरा ये ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। इसे निकालने के लिए पहले एक ट्रैक्टर को लगाया गया, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बाद में गांव वालों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी से इसे खींचकर बाहर निकाला। भारत में बारिश के मौसम में हर साल लोगों की जान पर बनाती है। कहीं अचानक किसान बाढ़ में फंस जाते हैं तो कहीं पर लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। सड़कें कब दरिया और सरकारों के दावे कब हवा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज तक ब्यूरो।